justice! We want justice! We want justice! We want justice! गली गली में सो रहे हम चाहते हैं कि एनटीए हमारा री एग्जाम करवाए, जिससे कि जो पेपर है वो सब इक्वली हो और किसी भी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में नीट की परीक्षा को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ वृंदा जी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिन्हें सम्मानित किया है, आइए इनसे बात करते हैं। पूरा मामला है क्या, जो नीट की परीक्षा को लेकर जितना बड़ा स्कैम चल रहा है, पूरा मामला क्या है? तो मामला ये है कि सबसे बड़ी बात जो हर कोई बोल रहा है, जो कि एनटीए के भी लोग, एनटीए के भी रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे हैं कि बच्चे बढ़े इसीलिए 67 लोगों का 720 आ गया और इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा आया है। लेकिन यहाँ हमें साफ साफ डेटा दिख रहा है कि 2023 में करीब 20 लाख बच्चे थे और 2024 में करीब 23 लाख, मतलब कि 3 लाख लगभग बच्चों का अंतर पड़ा है, जिसका परसेंटेज हमें दिख रहा है 14.45। तो बच्चे बढ़े, लेकिन एक बहुत खास बात ये देखने को मिलती है कि 620 से 720 मार्क्स के बीच में 34,000 बच्चों का डिफरेंस आया, जो कि 142.85% है, जबकि 520 से 620 के बीच में केवल 13% ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि केवल इस मार्क्स के रेंज में ही अंतर आया है, केवल जो तेज बच्चे हैं वही, उन्हीं का नंबर बढ़ा है, उन्हीं का परसेंटेज बढ़ा है। अगर सच में पेपर आसान था तो सारे रेंजेस में सेम डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन केवल मैक्सिमम मार्क्स में डिफरेंस कैसे, मतलब एक बार को हम मान लेते कि इस रेंज में भी डिफरेंस ज़्यादा आया है, लेकिन 720 तक लाना में इतना बड़ा परसेंटेज का डिफरेंस साफ साफ ये बताता है कि मास नंबर पे पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत ही मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को कोई पत्र भेजा है, उस पत्र में क्या है? मैंने उस पत्र में उनसे कामना की है कि आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री नहीं, हमारे सांसद भी हैं, तो आप हमारे लिए क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं, मतलब आप तो सुप्रीम पावर है हमारी, हम आपकी तरफ, हम आशा करते हैं आपसे कि आप हमारे लिए खड़े होंगे, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं बोला है। तो मैं उस लेटर में उनसे वही बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि हम सबका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। मैं एक सीधी सी बात ये कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई केवल नीट एस्पिरेंट्स की नहीं है, ये लड़ाई भारत के हर देशवासी की है, ये लड़ाई उस हर जागरूक नागरिक की है जो कि कभी ना कभी बीमार पड़ता है, कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाता है। वो क्या अपना इलाज इन ऐसे डॉक्टर्स के पास जाके कराना चाहेगा जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं? तो ये कोई हल्का मामला नहीं है। इसको जिस तरह से हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, जिस तरह से इन चीज़ों को लिया जा रहा है, सब कुछ एक मजाक के रूप में आ रहा है सामने। मतलब लग रहा है कि ये तो बस कुछ खेल हो रहा है, मजाक हो रहा है, लग रहा है कि कोई हमें हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो। तो मैं बस यही सबको बताना चाहूँगी कि ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, एक बहुत बड़ा मामला है, और हमें एक एग्जांपल सेट करना होगा, हमें अंत तक लड़ना होगा ताकि अगले साल से दोबारा ये कभी ना हो, कोई नीट एस्पिरेंट सुसाइड ना करे। अभी 3 केसेस आ चुके हैं जहाँ लोगों ने सुसाइड किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, वो सुसाइड इन सब चक्करों की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो कुछ अलग मामला है। तो हम किस पे भरोसा करें, और हम लेकिन लड़ेंगे। नन्हना, देश के शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो जिनको ग्रेस मार्क दिया कि लगभग 1500 बच्चे हैं, उनको तो वो इस फील्ड से हटा रहे हैं, तो इससे आप कितनी सहमत हैं और आप क्या चाहती हैं? मैं इस बात से, जो उन्होंने कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को हटा दिया, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ग्रेस मार्क्स, पहली बात तो हमें ये भी नहीं पता कि ग्रेस मार्क्स उतने ही बच्चों को दिया गया है या उससे ज़्यादा भी दिया गया है, और इतने ग्रेस मार्क्स हटाने से हमारी रैंक में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसकी और पिछले साल से जिनकी रैंकें 9,000-10,000 शिफ्ट हुई हैं, उनकी सिर्फ 1,000 बढ़ेगी, तो उससे हमारे कॉलेज मिलने के चांसेस उतने ही रहेंगे। एंड कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मुझे उनसे ये भी है, ये भी विनती है कि वो इस चीज़ में अच्छे से, क्योंकि लीक हर पेपर, क्योंकि हर स्टेट से न्यूज़ आ रही है कि ये पेपर लीक हुआ है, तो उस बात में अच्छे से देखें, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है उसमें फ्यूचर डॉक्टर हम लोग बनेंगे, और एक जो डॉक्टरी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जॉब है, तो उसमें हम लोग एक वो नहीं एक
पूरी परीक्षा को अपने निरस्त करना चाहती हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि नीट फिर से हो, ताकि हम सब ने जिसने मेहनत की है, 2 साल अपने दिए हैं, वो अपने एक्चुअल अपना कैलिबर दिखा पाए इस एग्ज़ाम में, और हम इतने मार्क्स पे पिछले साल जो इतने अच्छे रैंक आए थे, वो मेरे रैंक फिर से आए। धर्म प्रधान ने इस पूरी परीक्षा को पहले तो कहा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बाद में कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आपको? जैसे कि कल कॉन्फ्रेंस हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कॉन्फ्रेंस अपना दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ एग्री किया है कि हाँ चीटिंग हुई है। पटना वो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं केवल एक दो क्षेत्र को, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, उनका मेन फोकस केवल बिहार पे है। वो ये कह रहे हैं कि आइसोलेटेड एरियाज़ में ही केवल चीटिंग हुई है। अगर आइसोलेटेड एरियाज़ में चीटिंग हुई है तो 5,000 बच्चों को मिला होगा, मैक्सिमम 3,000-5,000 बच्चों को मिला होगा, फिर भी इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जी ये भी कह रहे हैं कि 24 लाख बच्चे अफेक्ट नहीं हुए हैं, केवल एक आइसोलेटेड एरिया में कुछ बच्चे ही अफेक्ट हुए हैं, जो कि सरासर गलत है। वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि NTA द्वारा गलतियां हुई हैं, रैंक का इन्फ्लेशन भी गलत है, लेकिन वो एट द सेम मोमेंट ये भी कह रहे हैं कि रैंक का इन्फ्लेशन है क्योंकि बच्चे कॉम्पिटेटिव बहुत हो गए थे और बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हो गए थे। तो बच्चे क्या पिछले साल पढ़ने में अच्छे नहीं हुए थे? ये एक ही साल में बच्चे इतने ज़्यादा कैसे तेज हो सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी कि जब आप सब चीज़ एग्री कर रहे हैं कि हमारे तरफ से हमारे NTA द्वारा गलतियाँ हुई हैं, फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप कॉन्फ्रेंस भी बेबुनियादी कॉन्फ्रेंस था, उसमें क्या ही पता चला? वो कहते हैं कि हम कमेटी बैठाएंगे, हम NTA की तरफ देखेंगे कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, लेकिन वो एक फाइनल जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि हाँ आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, हम आपके हित में ही बात करेंगे। वो बस एक तरीके से वो बस सहानुभूति दे रहे हैं कि हाँ हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन दिख तो कुछ नहीं रहा है ना। आप पहले वक्त हैं जो व्यक्ति की यहाँ से आपने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई, आपका एजुकेशन बहुत बड़ा निकला था BHU से, क्या कहाँ तक पहुँचा आपका आंदोलन? ये हमने देखा है कि ये देश भर में फैला, जहाँ तक हमें खबरें आई हैं कि जिस दिन हमने यहाँ आंदोलन किया उसके तुरंत बाद NTA को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा। तो ये हमने अपने तरफ से जो काम किया है वो काफ़ी दूर तक फैला है और इसके कुछ प्रभाव नज़र आए हैं, पर वे प्रभाव अब तक उतने नहीं हैं जिससे हम सभी को न्याय मिल सके। मेरा नाम प्रतीक कुमार सिंह है। कि कहाँ तक हमारा मुद्दा पहुँचा ये नहीं बता सकते, पर पूरे देश भर में जितने भी छात्र हैं वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, रीनीट मांग रहे हैं, और जो 1563 बच्चे जिनका रीनीट बोला जा रहा है कि होगा, जो 23 तारीख को होने वाला है ग्रेस मार्क्स के चक्कर में, वो तो ये नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे कि जो उनका जो पेपर है वो सही तरीके से हो, उनको जितना समय चाहिए उतना ही समय मिले, पर उनको उतना समय नहीं दिया गया और उनको ग्रेस दिया गया और उनको फिर रीनीट के लिए बोला जा रहा है। तो क्या उन पर प्रेशर नहीं बन रहा है? 1563 बच्चे पर प्रेशर नहीं है तो क्या वो इस देश के बच्चे नहीं है? तो उन पे प्रेशर क्यों नहीं है? है तो क्यों कराया जा रहा है वापस उन्हीं का रीनीट? सबका रीनीट कराया जिससे कि सबको एक बराबर का मौका मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग देखें तो NTA ने जो नीट में काम किया तो उसमें बोला जा रहा है कि कुछ धांधली है, वो मानने को तैयार नहीं, पर उसमें अगर धांधली है, जैसे आपने देखा कि UGC नेट और NTA नीट जो दोनों पेपर कराया है वो दोनों पेपर लीक हुई हैं, UGC नेट 18 तारीख को हुआ और 19 तारीख को पेपर को रद्द कर दिया गया, तो वैसे ही नीट को भी क्या अगले दिन रद्द नहीं करना चाहिए था? अभी आपने बोला कि आइसोलेटेड एरियाज पे सिर्फ पेपर रद्द हुए हैं, तो पेपर निकले गए हैं, तो क्या हो सकता है कि और जगह भी निकले गए हों पर अभी खबरें नहीं आ रही हों? तो इससे हमें एक संदेह हो रहा है कि जितने भी अथॉरिटीज़ हैं NTA के अंदर जो पेपर कंडक्ट करा रही हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हैं, या वो उसको सीरियसली पेपर को नहीं ले रहे जो इंडिया का आगे आने वाला फ्यूचर है। और हमारे यहाँ तो ये भी बोला जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप है, और जो नेट है उसे टीचर्स निकलेंगे जो और ऐसे और भगवान बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। तो जब भगवान में ही हम लोग धांधली कर रहे हैं तो हमारा आगे क्या होगा ये हमें जानना है। मेरा नाम श्लोक पांडे है। माननीय शिक्षा मंत्री के बयान से मेरे को ये नाराज़गी है कि पहले दिन जब उन प्रेस के सामने उन्होंने बोला कि पेपर लीक का कोई प्रमाण नहीं है, जबकि पूरे देश में यह हल्ला था कि पेपर लीक हुआ है, पटना और गोधरा से रिपोर्टें आई थीं, और आज की डेट में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये एडमिट करते हैं कि पेपर लीक है बट आइसोलेटेड है। वो किस आधार पे बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड है? आज हमारे पास ये भी रिपोर्ट आई है कि रांची में पेपर लीक हुआ है। अगर UGC नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम का, जिससे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वैसे एग्ज़ाम के पेपर अगर 500 में बिक सकते हैं तो क्या नीट के पेपर नहीं बिक सकते? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे हज़ारों बच्चे, मेरे बहुत से मित्र आज की डेट में अवसादग्रसित हैं। हमें रात में नींद नहीं आ रही है और हम बहुत ही
अवसाद के स्थिति में हैं और हम बड़े असमंजस में हैं कि हमारा भविष्य किस रास्ते में जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान जी को एक अभिभावक के रूप में कहना चाहूँगा कि हमारे समय की कद्र करें और जल्दी से जल्दी इस पे एक इस मुद्दे को एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। और हम तो रीनीट के अलावा कुछ भी नहीं चाहते और कोई भी चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू। हम तनिष्क सिंह हैं, मेरी हमारे शिक्षा मंत्री से ये हमें जानना है कि वो हर बार जब भी उन्होंने जो भी बयान दिया हर बार उसमें कुछ ना कुछ धांधली सामने आई। उन्होंने सबसे पहले बोला कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ है, अगले दिन पटना और गोधरा का प्रमाण सामने आता है कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि आइसोलेटेड जगहों पे पेपर लीक हुआ है, सिर्फ पटना में हुआ या फिर गोधरा में हुआ है। अब न्यूज़ में आ रहा है कि वो पेपर लीक झारखंड में भी हुआ है, रांची में वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि पेपर लीक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, हर जगह पेपर लीक हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर लीक इतने कम लेवल पे हो और इतने 25,000-26,000 बच्चों का इतना इन्फ्लेशन हो जाए। ये रैंक इन्फ्लेशन ही सीधे रैंक का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इस साल हजारों बच्चों के करियर इधर फ्यूचर अभी दाव पे लगा हुआ है। हमारी उनसे यही अनुरोध है कि अगर वो इस पे कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पूरे एग्जाम को स्क्रैप करके एक नए पैमाने पे फिर से एग्जाम कराया जाए, रीनीट वापस से कराया जाए ताकि सभी को न्याय मिल सके। जो बच्चा इस बार पढ़ा था वो रीनीट में भी पढ़ के नंबर ला सकता है, लेकिन जो लोग इसमें धांधली किए थे वो लोग इसमें नहीं कर पाएंगे अगर सरकार इसको ध्यान से देखेगी। बाकी हम लोगों ने आंदोलन जो किया था, हमारा आंदोलन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, एक हियरिंग हमारी हो चुकी है, 8 जुलाई को हमारी दूसरी हियरिंग है और हमें पूरा भरोसा है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो कोर्ट जरूर इसमें कुछ ना कुछ जरूर करेगी। मेरा नाम हरीश मिश्रा है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अगले दिन नीट का UGC नीट का जो पेपर हुआ था उनको पता चला लीक हो गया तो उनने अगले दिन कैंसिल कर दिया। यहाँ पे नीट के कुछ बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको मतलब न्याय मिले? क्या ये पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए? अभी इस वक्त हमारे साथ हैं आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी। विष्णु जी, आपके यहाँ से ये नीट की परीक्षा में जो स्कैम हुआ उसको लेकर बड़ा आंदोलन हुआ है और हमको लगता है पूरे देश में लगभग 2000 बच्चे अगर कहीं भी आंदोलन किए तो वो आपके इंस्टीट्यूट से किए थे। पूरा मामला क्या है, आसान भाषा में समझाइए क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को। देखिए, बच्चों में नीट के रिजल्ट के आने के बाद भयंकर असंतोष था क्योंकि इस तरीके का रिजल्ट आज से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ग्रेस मार्क दे देना, एक साथ इतने बच्चों के 720 नंबर आना, हरियाणा में एक सेंटर के 6 बच्चों के 720 में 720 आना। पहले NTA ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चे तेज थे, लेकिन फिर उनकी पोल खुली और एक्सेप्ट करने लगे और उसके बाद से उन्होंने फिर से आनंद फानंद में कमेटी बना के कहा कि हम इन बच्चों का ग्रेस मार्क जो हुआ 1563 बच्चों का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतने लोगों को हमने ग्रेस मार्क दिया और दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें संदेह पैदा करती हैं। फिर बोलना कि पेपर लीक नहीं हुआ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं साहब पेपर लीक नहीं हुआ, इसके प्रमाण नहीं है। पूरे देश के मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सैकड़ों प्रमाण हैं कि वहाँ के पटना में पेपर लीक हुआ, वो एक्सेप्ट करते हैं, छात्र पकड़े जाते हैं कि रात भर पहले, एक दिन पहले हमने पेपर रटा हो, वो वही पेपर आया, उनका कबूलनामा भी आता है। गुजरात में गोधरा में एक सेंटर है जहाँ के DM और SSP ने गिरफ्तार किए लोगों को, 2 करोड़ से ऊपर की चेक आती है, बच्चों को बोला गया कि जो क्वेश्चन आए बस उतने ही गोले भरना, बाकी छोड़ देना, हम उसको कवर करेंगे और आपको सेलेक्ट कराएंगे। भयंकर धांधली बड़े पैमाने पे संदेह करती है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है कि अगर 0.001% भी प्रॉब्लम या अनियमितता आई है, संशय पैदा होता है, तो ये ठीक नहीं है। बात देश के भविष्य की है, बात डॉक्टर की है, उनके सपनों की है। तो मुझे नहीं लगता हमारे देश की सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर इतने लापरवाह होना चाहिए। मैं इसको भरोसा नहीं मानता हूँ, अब तक डिसीजन आ जाना चाहिए था। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है, बच्चों में भयंकर असंतोष है। हम 8 तारीख को लंका पे BHU से लेकर दुर्गा कुंड तक बच्चों ने एक शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन किया था। करीब 2000 बच्चे पहली बार जिंदगी में सड़कों पर उतरे थे, उनके भविष्य के सपने उनके सामने अधर में लटके हुए थे और उसके बाद जो चीज़ें आईं, आज लगभग इसमें से मैक्सिमम बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, जो हमारे देश की शीर्ष अदालत है उसका दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, उनकी हियरिंग चल रही है, अगली डेट 8 जुलाई को है। अब ये सारा का सारा चीज़ें
सरकार के प्रति इन बच्चों ने मेल भेजा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को एज ए अभिभावक, गार्जियन और सांसद के रूप में लेटर भेजा है, कुछ बच्चों ने आत्महत्या तक की अपील किया है, तो इससे बढ़ के दुर्दशा नहीं हो सकती। हमें सरकार को, प्रशासन को हर लेवल पे चेतना पड़ेगा। विष्णु जी, तमाम राजनीतिक दल सड़क पर उतर चुके हैं, खासकर कांग्रेस के लोग भी सड़क पर आ गए हैं। ये राजनीतिक दल जो इसमें उतर कर आपके इस आंदोलन को नई धार देने की कोशिश, इसको किस रूप में आप ले रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दलों के लिए कमेंट करना मेरा वाजिब नहीं है, मैं बस इतना ही कहूँगा, चूँकि ज्वलंत मुद्दा है, बच्चों के भविष्य का विषय है और अन्याय तो हुआ ही है। हाँ, राजनीतिक दलों को कोई मुद्दा चाहिए था तो उनको सरकार बनने के साथ ही साथ तुरंत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। विरोध प्रदर्शन करना उनका नैतिक अधिकार है, हाँ वो शांतिपूर्वक करें, हम इसकी उम्मीद रखते हैं। हमारे बच्चे और हर व्यक्ति, हर गार्जियंस भी अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से अपनी बात रख सकता है, वो मेल भेज रहे हैं, वो कोर्ट केस कर रहे हैं, वो शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सभी लोग कर ही रहे हैं। तो राजनीतिक जो कांग्रेस या और लोग भी कर रहे हैं, उनका अधिकार है, वो करें, लेकिन बच्चों के साथ और उनकी डिमांड के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये रहे विष्णु देव तिवारी और आकाश इंस्टीट्यूट के सभी बच्चे, जिन्होंने बताया कि नीट की परीक्षा में व्यापक धांधली हुई है और ये री एग्जामिनेशन से नीचे किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं अन अकेडमी सेंटर में और हमारे साथ यहां के जो है बच्चे हैं, और आइए इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का जो है जो नीट का मुद्दा है वो कहां तक गया और उस बारे में इनका क्या कहना है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं यहां ड्रॉपर की स्टूडेंट हूँ। मेरा ये कहना है कि यही हाल जेई मेन्स में हुआ था, उनका जिस हिसाब से जो पेपर उन लोग कराते हैं वो सही नहीं, उसका फिर ग्रेस में वो नंबर दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी उन लोग कुछ नया नियम निकाल देते हैं, कभी कुछ और नया नियम निकाल देते हैं। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उन लोग को कुछ तो समझना चाहिए इस बारे में। उन लोग कुछ भी करते हैं, ग्रेस में नंबर दे रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर एक एक घंटे लेट पेपर दिया जा रहा है, कुछ मतलब व्यवस्था ही सही नहीं है उन लोगों का। और उस पर भी कह रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट आके बोले कि अपना पूरा क्लैरिफिकेशन दें। उन लोग एक एक नया नया जो है अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं कि नहीं पेपर नहीं लिख हुआ है, पेपर रीनीट नहीं कराएंगे। तो कम से कम आप ऐसा तो डिसीजन लीजिए ताकि बच्चे सेटिस्फाइड हो, ऐसे कैसे चलेगा। आप लोग जेई मेंस में भी यही किए, पेपर इजी आप बनाए, परसेंटाइल हम लोग को गलत मिला, और यही आप नीट के साथ, नीट वाले बच्चों के साथ कर रहे हो। तो इसके लिए हमें जस्टिस चाहिए ही चाहिए, और अगली बार जेई मेंस भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कितने सारे बच्चे सुसाइड कर लिए, उनकी उसमें क्या गलती थी। आप, गलती तो आपकी है ना, आपको नंबर सही से देना चाहिए ना, उसमें बच्चों का क्या जा रहा है वो आपको क्या पता है। हम लोग इतना प्रेशर में पढ़ाई करते हैं। आइए बात करते हैं अन अकेडमी की डायरेक्टर पल्लवी से और जानते हैं कि इस जो है नीट एग्ज़ाम को लेकर उनका क्या कहना है। मेरा यही कहना है कि अगर बच्चों के फ्यूचर के संग जस्टिस अगर ये गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक, तो मेरा कहना है कि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बच्चों की फ्यूचर के संग न्याय करें और आगे ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो। थैंक यू सो मच। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।